नमस्कार मित्रों, अगर आप भी मंत्रों के शक्ति पर विश्वास करते हैं तो यह वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, अन्यथा वीडियो को यही पे आधे बीच में स्किप करके जा सकते हैं। मित्रों, आज भी वो दिन याद है जब हिमालय के एक संत महात्मा से हमारी मुलाकात हुई। बातों बातों में उसने हमें बता दिया कि हमारे गुरु इस मंत्र को पढ़ करके धन की बारिश करते थे और हमारे भी जो है इस पर सिद्धि चल रही, हमारे भी जाप चल रही है। उसने बताया कि मित्र, आज भी कुछ भी कार्य करना मंत्रों से असंभव नहीं है, मंत्र के शक्ति से और दृढ़ विश्वास से कुछ भी किया जा सकता है। उसने हमें बताया कि हमारे गुरु को वायुगमन सिद्धि भी थी, यानी कि वायु के वेग से उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते थे और वापस आ सकते थे। मित्रों, उनके अनुसार एक ऐसा मंत्र है जिस मंत्र को जपने से धन की बारिश होती है, इस वीडियो में बताऊंगा। और उसने हमें बताया कि ये मंत्र उन्हें जो है रावण संहिता में भी पढ़ने को मिले हैं, यानी कि जो प्राचीन समय के रावण संहिता जो बुक थे, किताब थे, उसमें ये जानकारी छपा हुआ है। लेकिन अभी जो रावण संहिता है मित्रों, उसमें यह जानकारी को हटा दिया गया है। अभी जो रावण संहिता हमें मार्केट में पढ़ने को मिलते हैं, उसमें अधिकतर जो है गलत सलत छपे हुए हैं और साथ ही साथ वह रावण संहिता पूरी तरह से कहा जाए तो अभी के लोगों के द्वारा छापा गया है, ओरिजिनल नहीं है। तो उसने हमें जो मंत्र बताया जिस मंत्र को पढ़ने के बाद धन की बारिश होती है, इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। अपने फायदे के लिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखना, क्योंकि ये अच्छे वीडियो हैं। इससे आपकी गरीबी मिटेंगी, इससे आपके धन के संबंधी जो परेशानी हुआ दूर होंगे, आपके जीवन के कष्ट दूर होंगे, क्योंकि पैसे होने पर आप सारी चीजों को खरीद सकते हैं, धन दौलत सुख संपत्ति अपने सारी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। मित्रों, जानकारी बताने से पहले अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो वह संत महात्मा ने हमें जो मंत्र बताया वह मंत्र कुछ इस प्रकार से है। उससे पहले आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये मंत्र जपने से पहले आपके पास उल्लू के पंख जरूर होना चाहिए। इस मंत्र को अगर उल्लू के पंख को रख करके जपा जाए तो धन की बारिश होती है, यानी कि तेजी से आपके जीवन में धन आने लगता है। और अगर आपके पास उल्लू के पंख नहीं है तो आप जो है इस सिचुएशन में झाड़ू की दो काड़िया, जो नए झाड़ू होती है इसकी दो कड़िया जिसे हम काड़ी भी बोलते हैं, ये रख करके इस मंत्र को जपना होता है। मंत्र कुछ इस प्रकार से है, ओम श्रीम नमः। जो श्रीम मंत्र है ये माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है। उसके अनुसार उसने बताया कि अगर ओम को संपुट कर दिया जाए तो ये बीज की काम करता है और श्री जो है लक्ष्मी का मंत्र है। तो उसने बताया कि ओम श्रीम नमः अगर इस मंत्र को झाड़ू की दो काड़ी या फिर अगर ज्यादा इसका प्रभाव आपको अपने जीवन में देखना है तो उल्लू के पंख को रख करके अगर इस मंत्र का निरंतर अगर एक लाख जाप किया जाए तो ऊपर से धन की बारिश होने लगती है। जी हाँ मित्रों, ऊपर से धन की बारिश होने लगती है। और अगर ऐसा आप जो है एक लाख की मात्रा जप नहीं कर सकते तो जितना ज्यादा इस मंत्र की जप करेंगे उतना ही ज्यादा आपके जीवन में धन आने लगेंगे। धन आने का प्रत्येक मार्ग खुल जाएंगे, हर मार्ग से किसी न किसी रास्ते से बहाने मार मार के आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएंगे। वह संत महात्मा काफी अच्छा था, उसने लोक कल्याण के लिए यह जानकारी हमें बताया। तो यही थे छोटे से जानकारी मित्रों, आशा करते हैं छोटे से जानकारी आप सभी दर्शकों को जरूर पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए और अपने कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।